हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने बताया था कि लाइंस में चार टॉपिक हैं, चार को हम कवर कर लेते हैं तो हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला दो जो है वह है डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फुट टॉप परपेंडिकुलर एंड इमेज। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने बोला था कि अगर आप 50 लाइक देते हो तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और आपने ही बहुत जल्द 50 लाइक दिए। तो आज की इस वीडियो में आपसे नहीं कहूँगा कि आपको इतना लाइक देना है, मैं कोई नंबर सेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे इतना ही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना एक बार, अगर नहीं अच्छा लगे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन्स। तो एस्क्यू लाइन्स पहले क्या होता है हम देख लेते हैं। लाइन्स इन स्पेस दैट आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। देखिए फ्रेंड्स, एस्क्यू लाइन्स ओ लाइन जो होते हैं जो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आपने 2D में पढ़ा होगा, 2D ज्योमेट्री में, तो आपने ये देखा होगा कि अगर दो लाइन अगर नॉन पैरेलल है तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, किसी भी कंडीशन में इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन 3D में ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में कहीं भी डिस्टेंस बिटवीन का वर्ड यूज हो तो डिस्टेंस क्या होता है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन्स। हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी, यही डी। तो पहला लाइन की इक्वेशन है आर इक्वल टू ए वन प्लस एम टाइम्स बी वन, और दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, आर इक्वल टू ए टू प्लस एम टाइम्स बी टू। तो यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आप ध्यान से देखना, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और जितना भी आए उसका हमें मॉड लगाना है, क्योंकि निगेटिव ही आता है तो मॉड लगा के उसे पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, मैं अभी करवा देता हूँ, तो आपको समझ में चले आएगा कि ए टू माइनस ए वन क्या है, बी वन क्रॉस बी टू कैसे निकालेंगे और मॉड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी में दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, यहाँ पर तो नॉन पैरेलल ही केस थी, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उस केस में डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। देखिए फ्रेंड, उससे पहले समझाना चाहता हूँ, दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो आर इक्वल टू ए वन प्लस एम टाइम्स बी, आर इक्वल टू ए टू प्लस एम टाइम्स बी। दो लाइन अगर पैरेलल है तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, तो यहाँ पे देखिए बी इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वैक्टर। एक तभी लगाएंगे जहाँ पे हमें दिया रहे लाइन पैरेलल हो, ये तो फॉर्मूला और सिंपल है पहले वाले से। तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या है, एस्क्यू लाइन्स क्या होता है, एस्क्यू लाइन्स है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर फॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन में ए वन और ए टू क्या होता है, यहाँ से लाइन पास करे, यानी कि जो गिवन पॉइंट है, और बी वन और बी टू के इक्वेशन में क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो होता था। आप पिछले वीडियो में आपने ज़रूर इस बात को समझा होगा। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन आर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस टू के प्लस एम टाइम्स ए बी वैक्टर है बी वन, आई माइनस जे प्लस थ्री के, और आर वैक्टर इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस थ्री के प्लस एम टाइम्स आई माइनस जे प्लस सिक्स के। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है यहाँ पे। तो देखिए, इसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं, से आई अपॉन आई कोफिशियंट वन आया जो इक्वल नहीं है वन अपॉन टू के, और ये भी इक्वल है वन अपॉन टू। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, ए टू माइनस ए वन, यही ए टू है, तो ए टू माइनस ए वन क्या आया हमारे पास, आई माइनस टू जे प्लस फाइव के। अब B1 क्रॉस B2 का मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट,
तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू मैंने आपको बताया था i j k लिख लेते हैं, b1 a है और ये b2 है, तो 1 कोफिशियंट ऑफ i माइनस 1 कोफिशियंट ऑफ j और यहाँ पे 3 आएगा माइनस 2 प्लस 6। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या आएगा, b1 क्रॉस b2। तो हमारे पास फ्रेंड्स b1 क्रॉस b2 क्या आया, 0 आई यानी 0 आ गया, यहाँ पे i का कोफिशियंट 0 है तो i यहाँ पे वैनिश हो गया, माइनस 3j माइनस k। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम d निकाल सकते हैं इजीली। अब हमें क्या करना है, मोड ऑफ a2 माइनस a1 लिख देना है सीधे, i माइनस 2j प्लस 5k डॉट 0i माइनस 3j माइनस k अपॉन। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, b1 क्रॉस b2, इसका मॉड लेना है। तो मॉड कैसे, मैंने बताया था आपको, कोफिशियंट ऑफ i का स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ k स्क्वायर, तो 0 प्लस 9 प्लस 1 हमारे पास क्या आया, b1 क्रॉस b2 का मॉड रूट 10 आएगा। तो हमारे पास d इक्वल टू आएगा, d इक्वल टू क्या है यहाँ से 0, और डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता होगा, i को साथ i को करेंगे j के साथ j को, तो यहाँ पे क्या आया जे के साथ जे को, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 5 अपॉन रूट 10, 1 अपॉन रूट 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास। काफ़ी सिंपल है, सीधे आपको क्या करना है, ए टू माइनस ए वन निकाल लेना है, उसके बाद बी वन क्रॉस बी टू जैसे निकालते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना है। और फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपको फॉर्मूला से याद रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और एनडीए में ही बहुत सारे पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप देख सकते हो कि कितने टाइप से क्वेश्चन इस फॉर्मूला से पूछे जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में लाइन जो दिया गया है हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो आपको करना क्या है, वीडियो को करना है पॉज, सोल्यूशन खुद से करना है, उसके बाद मिलाना है कि मेरा जो आंसर आ रहा है आपका आंसर आ रहा है, आपस में इक्वल है या नहीं। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर दें, यहाँ पे ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो हम इस वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हम आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखें, तो आई माइनस जे प्लस जीरो के प्लस एम टाइम्स, उसका डी आर लिखता है यहाँ पे थ्री आई प्लस 2j माइनस k। उस तरह से दूसरी इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ क्या है माइनस 2i प्लस j प्लस 3k प्लस m टाइम्स माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। हम क्या करना है, a2 माइनस a1 क्या आया हमारे पास माइनस 3i, a2 माइनस a1 माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3 के आया। हमें बी वन क्रॉस बी टू निकालना है आपसे, बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू आई जे के, आई क्या है यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, इसे सॉल्व कर लेना है, काफ़ी सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास b1 क्रॉस b2 क्या आया, 2i माइनस 5j प्लस 4k। तो हमें फॉर्मूला से सीधे आना है कहाँ पे, यहाँ पे d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो d इक्वल टू मॉड के अंदर रहेगा सारे चीज़ माइनस 3i, a2 माइनस a1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ से माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके लेना है, बी वन क्रॉस बी टू से, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, 2i माइनस 5j माइनस 4k अपॉन। अब मॉड लेना तो काफ़ी सिंपल है, इसका मॉड लेना है मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, सॉरी यहाँ मॉड होगा, तो मॉड क्या निकाल सकते हैं, रूट अंडर 4 प्लस 25 प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, डी इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट लेना है आई के साथ आई का माइनस 6, जे के साथ तो प्लस 10 होगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस 12। यहाँ पे हमारे पास क्या आया,
रूट अंडर 45। ये फंड इसके बाहर मोड है, हमारे पास आया क्या 18 माइनस 18 प्लस 10 दैट इज़ 8 अपॉन रूट 45 आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इमेज का मतलब तो आप समझते हैं, 2D में मैंने बताया था इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, हिंदी में हिंदी का एक खास वर्ड यूज करें तो। देखिए फ्रेंड जैसा ही कोई पॉइंट हमें दिया रहा है, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहा है कि पॉइंट अगर A1, B1, C1 अगर रहे तो इस पॉइंट का इमेज एक कोई लाइन गिवन रहेगा, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमेशा गिवन रहेगा। तो बोलेगा कि इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो इधर ही कहीं एक पॉइंट बनेगा, यही होगा क्या इमेज, आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये मान लेता हूँ मेरे पास आया, ये मान लेता हूँ हमारे पास आया A2, B2, C2। देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट इमेज आया और यहाँ जो पॉइंट है इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर हमेशा होगा लाइन, ये क्या है इसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको फ्रेंड्स एक बेसिक सी बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस डी अगर होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी डी ही होगी। तो आप कह सकते हो कि यह पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, यह पॉइंट जो है सो मिड पॉइंट है। अगर हमारे पास अगर यह पॉइंट निकाल लेता हूँ, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा A1 हम इसे अल्फ़ा मान लेंगे और निकालना है हमें इमेज, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमें पता है तो अल्फ़ा बीटा और गामा मान सकता हूँ, क्या A1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू ये पॉइंट की इक्वेट कर दूँगा, इस पॉइंट के इक्वेट कर दूँगा, A1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू इस पॉइंट की इक्वेट कर दूँगा। सिंपल है, मिड पॉइंट फार्मूलाज मैं यहाँ पर अप्लाई किया हूँ। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आपको गिवन क्या रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ एक लाइन गिवन रहेगा और एक पॉइंट गिवन रहेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम सीधे क्वेश्चन से देखते हैं, इसे समझते हैं कैसे सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आप प्लेन पढ़ोगे, प्लेन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे वहाँ फार्मूलाज हैं, लेकिन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन हर बार 2-3 लाइन में ही दिया गया रहेगा और मैं पहले ही बताया कि आपको गिवन क्या रहेगा, एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, एक पॉइंट पी जो कि गिवन क्या है 1, -2, 3, इसी का इमेज बताना है इस लाइन के अकॉर्डिंग। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, x-1/2 इक्वल टू y+3/-1 इक्वल टू z-1/4। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे जो इमेज होगा इस पॉइंट बताना है हमें, इस पॉइंट को हमें बताना है, ये आंसर पूछा है यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन में हम यहाँ पे एक आर के रिस्पेक्ट में मानते हैं, आर यहाँ पे क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा होगा, इस लाइन को हम आर के इक्वेट करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड जो होगा उसके आर के रिस्पेक्ट में हम एक वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू कहाँ पे होगा इस पॉइंट पे होगा। एक बार हम इसे एक्स के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2r+1, ठीक है, इसी तरह से वाई इक्वल टू -r-3, और जेड के एक साथ हम आर को इक्वेट करें अगर तो जेड इक्वल टू 4r+1। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी जैसे दो पॉइंट है हमारे पास A, B, C और D, E, F, तो इसका हम dr निकाल सकते हैं, कैसे D-A आएगा, इसका डिफरेंस लेने पे dr आ रहा था, डायरेक्शन रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, E-B मैंने पिछले वीडियो में सारे कुछ समझाया है, और F-C यही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो हमें क्या हो गया, यह पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ, क्या करना है इसका दोनों का डिफरेंस लेना है। तो क्या आया हमारे पास DR1, डायरेक्शन रेशियो 1 इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है, हमें क्या करना है इसमें से 1 घटाया तो क्या आया 2R, इसमें से मैंने -2 घटाया तो +2 हो जाएगा, तो -r-1, इसमें हम +2 ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जेड का क्या आया कोऑर्डिनेट, सॉरी जेड का DR क्या आएगा, -3 सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 4r-2, ठीक है फ्रेंड्स, हमें इस लाइन का DR मिल चुका है और यह तो गिवन लाइन है, तो इसका DR क्या होगा 2-1, 4, और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके DR का डॉट हमेशा 0 होता है, आप जानते होंगे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके DR का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो वहाँ से क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, DR1 into DR2 हमारे पास क्या है
2, माइनस 1 और 4। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है x वाले के x के साथ, तो क्या आया हमारे पास 4r, यहाँ से लेंगे प्लस r प्लस 1, 16r माइनस 8, इसको 0 की इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आया फ्रेंड्स, r इक्वल टू 1/3। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना कैसे आएगा r इक्वल टू 1/3। r जब आ गया है तो हम x y z निकाल सकते हैं पॉइंट डालकर, तो हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल टू 2/3 प्लस 1, y इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस 3, और z इक्वल टू क्या आएगा 4 × 1/3, यहाँ से देखना है आपको प्लस 1। ये पॉइंट हमारे पास क्या आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आ चुका है यहाँ का, देखिए फ्रेंड्स यहाँ का, क्योंकि मैंने यहीं का पॉइंट एज्यूम किया था r, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास x का 5/3, जेड इक्वल टू माइनस 10/3 और वाई इक्वल टू माइनस 10/3, जेड इक्वल टू 7/3। अब हमें पॉइंट कहाँ का मिल चुका है यहाँ का, तो मैंने आपको बताया मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे e1, तो e1 हमारे पास पॉइंट तो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए तो 1, और यहाँ का पॉइंट मानता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा, हमें यही अल्फ़ा बीटा और गामा निकालना है, तो 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इस पॉइंट के इक्वल होगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कितना आया है, यहाँ से देखो फ्रेंड्स आप 5/3, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया 10/3 माइनस 1 इक्वल टू 7/3, यहाँ का पॉइंट आया हमारे पास 7/3। उसी तरह से फ्रेंड्स आप क्या करोगे, माइनस 2 प्लस बीटा अपॉन 2, माइनस 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 10/3, इस तरह से इस पॉइंट निकालोगे, जेड निकालोगे फ्रेंड, इसी तरह से सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा जाता है लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं एक और क्वेश्चन इस पर करवाता हूँ आपको, देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम पॉइंट, हम देखिए पॉइंट हमेशा और लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, जैसा मैंने बताया पॉइंट 0, 2, 3 टू द लाइन एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड प्लस 4/3। तो हमारे पास पॉइंट क्या है 0, 2, 3, इस बार हमें इमेज नहीं निकालना है, हमें इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ का पॉइंट निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इक्वल टू जेड प्लस 4/3। हम करते क्या है, पहले हमें इसका डायरेक्शन रेशियो पता है क्या, इसका डी आर 2 इक्वल टू 5, 2 और 3 पता है, 5, 2, 3 पता है हमें। यहाँ का हम क्या कर रहे थे, हर बार आर के रिस्पेक्ट में हम एक मान लेते हैं कुछ भी, इसे हम आर के इक्वेट करेंगे, तो एक्स यहाँ से क्या है, एक्स इक्वल टू 5r माइनस 3, वाई इक्वल टू क्या आया 2r प्लस 1 एंड जेड इक्वल टू 3r माइनस 4। हमें यह पॉइंट पता चल चुका है, यह पॉइंट पता चल चुका है, तो यहाँ डी आर 1 निकाल सकते हैं कैसे, डिफेंस लेकर। तो हम क्या करेंगे, इससे हम इसे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास डी आर 2 इक्वल टू क्या आया, डी आर 2 इक्वल टू 5r माइनस 3 कॉमा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इसे 2, तो 2r माइनस 1। ये फ्रेंड ऐसा नहीं है, आप इससे भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इससे भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हमें जेड कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 3r माइनस 4 माइनस 3, तो क्या आया 3r माइनस 7। हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है यहाँ पे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है यहाँ पे, और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो तो हम सीधे निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, हम जानते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो क्या यहाँ से 25r माइनस 15, अब इसके साथ 2 का प्लस 4r माइनस 2 प्लस 9r माइनस 21 इक्वल टू 0, r इक्वल टू यहाँ से है 1। अब हमें यहाँ का पॉइंट पता है क्या, यही तो वहाँ का पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, यहाँ पे r जब 1 डाल देंगे आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर 1 हमने डाला तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आया, यहाँ पर 1 डालने पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 डालने पे माइनस 1 आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आया 2, 3, माइनस 1।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन पाथ फाइंडर का है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जहाँ तक समझ में आया इस वीडियो में, ठीक है। नहीं तो इसके बाद क्या होता है, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी समझ कर आती है। तो मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, पाथ फाइंडर या जो भी बुक बोलो आप, उस बुक से मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं थ्री डी पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या एयरफोर्स की बात करूँ, नेवी डबल ए, या एनडीए की एग्ज़ाम की तो मैं स्पेशल वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ हर वीडियो। तो थ्री डी के मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है। और आप पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ताकि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम, उसके लिए आपको मैथ सब्जेक्ट की टेंशन ना लेनी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।